अस्सलाम वालेकुम। आज है आपकी क्लास नंबर 4, और जो क्लास है बेसिकली वो लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास है। और आज हम लोगों की बात करेंगे, इसके अंदर उसकी जो लेटर मार्क लोगो होते हैं, तो लेटर मार्क लोगो बेसिकली हम डिज़ाइन करेंगे आज, और उसको जो है बेसिकली हम डिज़ाइनेबल उसमें क्रिएट करेंगे लेटर मार्क लोगो को। यहाँ मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज खोलता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं अपने पास। न्यू पेज ओपन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक साइकिल, यानी कि ओ, मतलब जो ओ होता है बेसिकली, मैं उसको डिज़ाइन एबल लोगो बनाऊँ लेटर मार्क के ऊपर। सो अब हम एक ओ को सिंपल किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है बेसिकली। सो हम उसको यहाँ पे ट्राई करते हैं और देखते हैं उसको किस तरह से बेसिकली एक ग्रेडियन कलर देके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पॉलीगॉन टूल लिया है बेसिकली, और पॉलीगॉन टूल लेके मैंने पेज पे ड्रॉ कर दूंगा इसको। एंड देन इसकी मैं आउटलाइन ब्लैक करूंगा और फिल शेप इसके मैं नन कर दूंगा। उसके बाद मैं सर्कल शेप लूंगा और सर्कल शेप लेके मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा पेज पे। और एज कंपेयर टू द पॉलीगॉन टूल, मैं सर्कल को थोड़ा साइज में एनहेंस रखूंगा पॉलीगॉन टूल से। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करूंगा, देन सर्कल पर क्लिक करूंगा ताकि जो मेरी अलाइनमेंट हो वो सर्कल के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद फिर मैं अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, जो हमारे प्रॉपर्टी बार में अलाइन, उसको सेंटर कर दूंगा यहाँ से, और वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। सेंटर करने के बाद फिर देखिए, हम यहाँ पे देखें, ये हमने दोनों को एक जगह एडजस्ट कर लिया है अच्छे से। उसके बाद फिर हम इस पॉलीगॉन को वर्टिकली रोटेट कर देंगे ताकि जो उसका शार्प एरिया वो टॉप से स्टार्ट हो। सर्कल का इनसाइड एरिया और पॉलीगॉन का जो आउटसाइड एरिया है वो दोनों को टच करेगा, और सर्कल के आउटसाइड इसको हमें एटलीस्ट रखना है थोड़ा साइज में। वर्टिकली इसको स्ट्रेच कर देंगे, और फिर इसको कॉपी करूंगा मैं और इसी पे पेस्ट कर दूंगा। एंड देन फिर मैं इसे डुप्लीकेट निकाल लूंगा। आप चाहे ऑल्ट के साथ ड्रैग करके भी डुप्लीकेट इसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन फिर हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है बेसिकली हम इसको ग्रुप करने के बाद हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, और मैं इसको इस तरह रोटेट कर दूंगा। और रोटेट करने के बाद मैं इसको एग्जैक्ट पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग रखूंगा जो उसकी दूसरी साइड से, और उसी के ऊपर मैं इसको बेसिकली प्लेस कर दूंगा। तो ये आपको ज़रा ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये बेसिकली काफ़ी ये है कि इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, फिर आगे हमें प्रॉब्लम होती है शेप बिल्डर टूल यूज़ करते हुए। उसके बाद दोबारा कॉपी करेंगे, देन कंट्रोल एफ से पेस्ट करेंगे, दोबारा रोटेट कर देंगे फॉर द नेक्स्ट साइड। देन इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर लेंगे, लाइंस के ऊपर लाइंस रखनी है हमें एग्जैक्ट, ठीक है। अब लाइंस पे लाइंस रखने के बाद जो हम बेसिकली कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे ताकि हम सारे शेप्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकें। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे शेप बिल्डर टूल, और शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करने के बाद जो है बेसिकली जो जितने भी सर्कल के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा, उसको मैं ऑल्ट के साथ मतलब ऑल्ट प्रेस करके माइनस कर दूंगा कुछ इस तरह से। आप ऑल्ट लाजमी प्रेस करें ताकि आप उसके बाहर वाले एरिया को माइनस कर सकें। अगर ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो वो ऐड कर देगा था, और मैं यहाँ पे कंप्लीट सारा एरिया से कंप्लीट जो बाहर का सब ऑल्ट के साथ इसको माइनस कर दूंगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से एक लुक बना हुआ आ जाएगा। एंड देन फिर मुझे अब इसके इनसाइड एरिया को कवर करना है किसी भी कलर के साथ, हम रेंडमली कर सकते हैं। सो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपको पता है कि ट्रायल एंड एरर्स होता है, मतलब फर्स्ट टाइम क्या पता ठीक ना बने, देन सेकंड टाइम ठीक ना बने, तो थर्ड टाइम क्या पता ठीक बन जाए। तो ये आप ट्राई करें इसको मल्टीपल टाइम। सो यहाँ से हमने बेसिकली एक स्टार्ट लिया है, और इसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा इसी पोजिशन के अंदर सेम एज इट इज़। तो इस तरह से हम जो एक सर्कल को बेसिकली एक डिज़ाइन दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट में जब मैंने उसको ऐड किया है शेप बिल्डर टूल के साथ, तो वो बेसिकली प्रीवियस वाला शेप उसमें नहीं बना है। सो अब हम ट्राई करते हैं डिफरेंट लाइंस के साथ या फिर डिफरेंट शेप के साथ। सो ये देखिए, इसमें एक गैप आ रहा है बीच के अंदर, इस गैप को फिलअप करना है। अब ये गैप कैसे फिल होगा, एक प्रॉपर शेप कैसे बनेगा, सो इसको फिर हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर दोबारा मैंने ट्राई किया, नीचे से इसको स्टार्ट किया, और इस बार मैं ये वाला एरिया भी फिलअप कर दूंगा। और फिल करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक बीच में अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये फिर हमारा एक प्रॉपर बाकी की तरह शेप एग्जैक्ट बन जाएगा। सो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट। उसके बाद कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन शेप बिल्डर टूल लेके अब इस वाले एरिया को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ऊपर वाली लाइन को हम जो है माइनस कर देंगे, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो कंप्लीट एक शेप होगा वो ओवल का बनकर सामने आ जाएगा।
और ये सारे शेप हमारा जो है हमारे पास सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब सारे जो शेप है ना एक ही साइज के और मतलब एक ही जैसे होने चाहिए। उसके बाद फिर हम इसमें कलर करेंगे, जो कि हम करेंगे इसमें ग्रेडिएंट कलर्स, ताकि इसमें एक फोल्डिंग शेप बने हमारा, फोल्डिंग। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो सर्कल के आउटसाइड के कुछ कॉर्नर्स वगैरह हैं जो कि अभी बाकी रहते हैं, इन कॉर्नर्स को भी हमें बेसिकली कटआउट करना है, ताकि इन कॉर्नर्स को अगर हम कटआउट करेंगे तो बेसिकली ये सही रहेगा, क्योंकि वरना ये हमारे शेप्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस कॉर्नर को अगेन वही प्रोसेस है, हम ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देंगे इनके डॉट्स पर साइड्स में, ताकि इनके कॉर्नर्स हम रिमूव कर सकें। सारे कॉर्नर्स को आपको रिमूव करना है वन बाय वन। सो ये लास्ट वन आई थिंक इसको भी रिमूव कर देंगे, एंड देन दिस वन इज ऑल्सो, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे ऑल्ट के साथ। तो यहाँ सारे हमने कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया एग्जैक्टली। अब हम कंट्रोल माइनस से पेज को जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट करने के बाद अब हम इसमें कलर करेंगे बेसिकली। तो कलर हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे ग्रेडिएंट टूल दिया हुआ होता है और उसके साथ राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसमें हम लोग कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सो वहाँ से हमें कलर उठाना है और इसके अंदर बेसिकली कलर करना है। अच्छा, कलर करने से पहले अगर हम इसको बेसिकली कर्व कर दें तो वो आई थिंक बेहतर रहेगा। कर्व मैं इसलिए कर रहा हूँ उसके कॉर्नर्स को, ताकि हम इसको एक अच्छा डिज़ाइन दे पाएँ। ठीक है जी। अब देखिए, अगर मैं इसको सिंगल कर्व करूँगा तो उसके जो बैकग्राउंड का एरिया है वो देखें इस तरह से वाइट दिखेगा आपको। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको कर्व करूँ तो बैकग्राउंड पे मतलब ब्लैक कलर ऑलरेडी मौजूद रहे, अभी कोई ऐसा शेप रहे। तो हम एक काम ही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरा इसको और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ से इसी पर ही पेस्ट कर देंगे, ताकि वो बैकग्राउंड पे भी मौजूद रहे। पेस्ट करने के बाद फिर अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम इसके कॉर्नर्स को मतलब जो हम टॉप का कॉर्नर है उसको अगर मैं कर्व करूंगा तो पीछे बैकग्राउंड पे वो वाइट एरिया मुझे ठीक है नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक शेप मौजूद है। और कितना कर्व किया है इस कॉर्नर को हमने, तो वो एंगल हमें इस कॉर्नर वाले मेन्यू में देखने को मिलता है, ये वाला मेन्यू कॉर्नर। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे रेडियस दिखा रहा है आपको कि 0.6961 इंचिस में हमने इसको जो ये राउंड किया है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यही चीज़ मैं हर शेप्स के कॉर्नर्स पे जाके डबल क्लिक पे डबल क्लिक करूँगा उस कॉर्नर पे, उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देन अगेन मतलब हर शेप को हमें इसी शेप में कन्वर्ट करना है। और इस शेप की बेसिकली तीन कॉर्नर्स हैं, तो आप सिर्फ आउटसाइड वाला कॉर्नर ही राउंड करेंगे, उसके सेकंड वाला कॉर्नर सेम एज प्रीवियस। ये वाला भी हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको कॉर्नर ही राउंड कर देंगे सेम। देन अगेन क्लिक और कॉर्नर पे जाके सेम वही वाली अमाउंट यहाँ दे देंगे। तो यहाँ हमें सबको बेसिकली कॉर्नर राउंड्स कर लिए हैं। अच्छा, कॉर्नर राउंड करने के बाद जो है कंट्रोल से ऑसलेट करेंगे और शेप बिल्डर टूल लेके हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, ताकि एक प्रॉपर कर्व शेप बन जाए। तो यहाँ शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लिया, हम इस तरह इनको ज्वाइन करेंगे। सारे शेप्स को दूसरे कंबाइन कर देंगे, जो पीछे हमने कॉपी किया था वो इसी में कंबाइन हो चुका है, अब ये पूरा एक ही शेप बन गया है अलग अलग मतलब पार्ट्स के साथ। सो ये करने के बाद फिर हम इसमें अब कलर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो कलर्स में क्लिक करते हैं स्टॉप्स के ऊपर, अगर यहाँ पे आपको ये ना मिले तो आप विंडो पे जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक रैंडम कलर अप्लाई कर दिया और आउटलाइन फिलहाल मैं इसकी डन कर रहा हूँ, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए इस वजह से। उसके बाद फिल शेप पे आके मैं इसे कलर्स को डिफरेंस कर दूंगा, लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो इसके सेंटर में भी कलर हो चुका है, तो उसको सेट करते हैं। पहले यहाँ पे कलर वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट कलर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कलर का कोई कॉम्बिनेशन रखा रहा हूँ ताकि वो एक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास कलर शो हो। इसको उठा के हम बाहर ले आते हैं इस तरह से, और देन हम इसमें यहाँ पे रख देते हैं ताकि हमें क्लियर हमारा लोगो विजिबल हो।
उसके बाद फिर यहाँ पे हम डिफरेंट कलर को आपस में कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन हमें ठीक लग रहा है। इसके ऊपर डार्क और लाइट कलर हो, भले डिफरेंट कलर्स हो बट डार्क और लाइट हो। सो यहाँ मैंने कलर चूज किया लाइक पर्पल और लाइट ब्लू है आई थिंक ये। सो इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पहले तो ये कि हम सेंटर वाला पार्ट जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको खत्म करना है, ऑल के साथ क्लिक करेंगे। पहले कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, उसके बाद ऑल दबा के बीच वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर देखिए हम यहाँ पे हर शेप में इंडिविजुअली कलर हो चुका है। कलर होने के बाद हमें करना है क्या, इसमें हमें ये करना है कि अब इसमें हमें कलर्स की डायरेक्शन सेट करनी है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेडिएंट टूल, और टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इंडिविजुअल शेप की जो है डायरेक्शन को बेसिकली मैं चेंज कर दूंगा। पहले इसको अनग्रुप करूँगा कि बेसिकली वो ग्रुप्स के अंदर होते हैं तो पहले उनको अनग्रुप करना लाजमी है। तो चेक कर लेंगे सारे आपके पास जो बेसिकली शेप से वन ग्रुप हो चुके हैं। फिर क्लिक करूंगा ग्रेडिएंट टूल के ऊपर, उसके बाद मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा और जहाँ से बेसिकली कर्व हो रहा है वहाँ पर डार्क कलर रखने की कोशिश करूंगा ताकि एक कर्व का लुक बेसिकली हम क्रिएट कर सकें इसके अंदर। हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे हर शेप के लिए। तो यहाँ हमने हर शेप्स के अंदर जो है कलर्स को ऐड कर दिया है, उसकी डायरेक्शन भी बेसिकली सेट कर दी है। सेट करने के बाद ये जो हमने बेसिकली शेप बनाया है, मतलब ये लेटर मार्क लोगो तो है और ये ओ को बेसिकली वाजे कर रहा है, जिसको मैंने थोड़ा डिजाइन्स में रखा है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। कि हम किस तरह से बेसिकली इसके अंदर अपने लोगोस को डिजाइनेबल कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में सिंपल हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि सिंपल लोगो बनाना, फ्लैट लोगो क्रिएट करना, लोगो ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, बट आज हमने जो इसको एक डिजाइनेबल लोगो में क्रिएट किया है और ये दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। सर अब हम चलेंगे नेक्स्ट लोगो तक, जो जो कि आज हम बात करेंगे इसमें उस चीज़ की कि हम किस तरह से जब हम ग्रिड्स के ऊपर लोगो को डिजाइन कर रहे होते हैं तो कंबाइन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमने क्लासेस में पढ़ा है प्रीवियस, उसमें से जो हमने लोगो को बनाया था और हमने कंबाइन नहीं किया था, वो सिंपल ग्रिड के बने थे और लेकिन वो थे तो सेम बट के ग्रिड के ऊपर थे लेकिन हमने उन्हें कंबाइन नहीं किया था। तो अभी इन्हें कंबाइन करना सीखेंगे। यहाँ मैं एक लाइन लेकर ड्रॉ कर रहा हूँ सेम एज प्रीवियस, और डुप्लीकेट निकालना देन कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑल और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे इसको। ग्रुप करने के बाद जो है इसको हल्का सा मैं एंगल पर रोटेट कर दूंगा, देन कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ में इसी पे पेस्ट कर दूंगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा प्रॉपर्टीज से। अगर प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं है तो विंडोज से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये करने के बाद देन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इसको फिर मैं हॉरिजॉन्टली जो है रोटेट कर दूंगा। देन फिर ऐसे हम इसको कंट्रोल ए कर लें या फिर आप माउस से पूरी लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, इसको जूम इन कर लेंगे हम, और जूम इन करने के बाद हम यहाँ से फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टू सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप देखें कौन सा एंगल आपको ठीक लग रहा है तो वहाँ से इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि एफ और वी ठीक रहेगा, मतलब लोगों के लिए। तो देखते हैं कि हम बेसिकली इसमें एफ और वी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट हो चुका है एफ और वी को डिज़ाइन करना। ये लोगोस भी प्रीवियस क्लास की तरह ठीक है होते हैं, मतलब इसमें भी एरर्स आपसे मतलब हो सकता है, मिस्टेक फर्स्ट टाइम हो सकती है। तो ये कि आप जब मिस्टेक हो जाए कंट्रोल जेड कर लें, वापसी बैक आ जाए, दोबारा इसको स्टार्ट करें बनाना। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद ये अपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है अच्छे से। यहाँ मैंने एफ को डिज़ाइन करने की कोशिश की है। अब इस एफ के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे डिज़ाइन करना है वी, तो मैं वी को यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा और मैं जो इसमें शेप दे रहा हूँ वो बेसिकली ट्राइंगल का एक शेप देना चाह रहा हूँ, ओपोजिट ट्राइंगल इसको कहते हैं, अपसाइड डाउन। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको बेसिकली नीचे लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से इसको नीचे लेकर आते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप नोट करें, देखें यहाँ से तो एफ की कर्विंग और जो वी की जो बेसिकली यहाँ पे जो कर्व हो रहा है साइड से, ये दोनों डिफरेंट है। मैं दोनों को सिमेट्रिकल रखना चाहता हूँ, मतलब सेम रहे, एक ही मतलब एक ही उसमें आए सीरीज में। सो मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर दीजिए या फिर अगर इसको हम इस तरह करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा बैक, सो फिर भी ये वो लुक हमें नहीं दे रहा जो कि हम बेसिकली चाह रहे हैं।
अगर नीचे से मैं एफ को डिज़ाइन करूंगा, अगर मैं वी को नीचे और ड्रैग करना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली प्रॉपर शेप नहीं आएगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा दोबारा से, उसके बाद मैं दोबारा से वो डिज़ाइन करूंगा दो डिफरेंट शेप्स से, डिफरेंट शेप में इसको डिज़ाइन करूंगा। सो यहाँ मैंने ट्राई किया इस तरह से इतना रखना। अब मैंने इसकी जो बेसिकली जो शार्प का एरिया था वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको वी को डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरह से। जितने भी पॉइंट्स हैं एंकर जो ब्लैंक हैं वो उसको आप लाजमी फोकस में रखिएगा, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है जी। अच्छा ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए बिल्कुल सेम बना है इसका टॉप एरिया, ठीक है, और जो कर्वनेस बनी है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है दोनों की, तो ये काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है, एक इमेज क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से भी देखिए मैं इसको डिज़ाइन दे सकता हूँ ईजिली कुछ इस तरह से। मैं हल्का सा नीचे इसको और ड्रैग कर दूंगा। ट्रैक करने का जो जो एरिया कवर्ड नहीं है उसको आप कवर कर लीजिए अच्छे से। कवर करने के बाद यहाँ से फिर हमने इसको बेसिकली कवर कर लिया है। आप चाहें देखिए, अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया कि एफ और वी को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करी है, जो कि दिखने में काफ़ी एक कूल लोगो लग रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा लोगो लग रहा है, तो हमें बेसिकली इसी तरह लोगो को डिज़ाइन करना है कंबाइन कर कर। ठीक है, ट्रेडमार्क लोगो बेसिकली ये कहलाते हैं हमारे पास। जितनी भी बेसिकली गैप्स वगैरह बचे हैं इनको आप फिलअप कर दीजिए कुछ इस तरह से, ताकि ये गैप्स वगैरह ना रहे हमारे पास, ताकि गैप वगैरह ना रहे हमारे पास, इनको हम गैप्स को देखे फिलअप कर देंगे इजीली। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, मतलब बाहर क्लिक करेंगे, देन अंदर अंदर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कर देंगे इसको अनग्रुप, क्योंकि बेसिकली ग्रुप होते हैं तो इनको अनग्रुप करना लाजमी है। उसके बाद ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमने एक लोगो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी स्ट्रोक चाहे बढ़ा दीजिए चाहे कम कर लीजिए, स्ट्रोक इट कम्प्लीटली अप्स टू यू। सो फिलहाल मैं हल्की सी स्ट्रोक बढ़ाई है, बट ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँ, क्योंकि इसके कॉर्नर जो होते हैं वो शार्प नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट्स पे जाके मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड, ताकि इसकी स्ट्रोक और इसका फिल एक साथ हो जाए, मतलब एक ही चीज़ हो जाए। यहाँ से आएंगे हम लोग पाथ फाइंडर पर, यूनाइट कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ से देखिए लोगो हमारा रेडी, बट कुछ इसमें अभी मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग ठीक है मत की ये मिस्टेक मत करिएगा, इसको पूरा फिलअप कीजिएगा। सर हम चलते हैं नेक्स्ट लोगो की तरफ से, कि अब हम ट्राई करेंगे लोगो सर्कल के थ्रू, कि हम सर्कल के थ्रू लोगो किस तरह बना सकते हैं लेटर मार्क लोगो ही चीके। और मतलब अब मैं रैंडमली बेसिकली सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और देखते हैं कि बेसिकली हम कैसे इसके थ्रू लोगो बनाएंगे। सो पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो थोड़ा लार्ज होगा, और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ब्लेंड टूल का। ब्लेंड टूल की शॉर्ट ये होती है W। यहाँ मैं आउटलाइन सेलेक्ट कर लूँगा और फिल शेप डन कर दूंगा। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा थोड़ा साइज में बड़ा होगा, उसके बाद स्मॉल सर्कल ड्रॉ करूंगा जो कि साइज में थोड़ा छोटा होगा, देन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ। सिलेक्शन टूल लेकर सेलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद सेंटराइज कर दीजिए पेज के दोनों को। देन हम ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएंगे, उसके बाद फिर हम ब्लेंड पे जाएंगे, एंड देन यहाँ से मेक कर देंगे इसको। शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट बी। इससे क्या होता है कि जितने आपके सर्कल्स मतलब जो सर्कल्स में होते हैं टॉप टू बॉटम या फिर फर्स्ट टू लास्ट स्टेप, इसके बीच में बहुत से स्टेप सर्कल्स के आ जाते हैं डुप्लीकेट होकर। स्टेप्स को बढ़ाने के लिए इसी टूल पर डबल क्लिक करेंगे, ताकि आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन खुलकर आ जाए, ब्लेंड ऑप्शन खुलकर आ जाए। उसके बाद स्पेसिंग पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्पेसिफाई स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है कि जो 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 दो सर्कल्स मेन थे उसके बीच में आप कितने सर्कल्स और लाना चाहते हैं। देखिए अभी दो हैं तो इन दोनों के बीच में दो सर्कल आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे फाइव कर दूंगा तो इन दोनों के बीच में फाइव सर्कल्स आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बेसिकली फाइव करते हैं, तो देखिए इनके बीच में फाइव सर्कल्स आ गए। और फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि इसको फोर कर दूँ, तो यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करके इसको फोर कर देते हैं सर्कल्स को, स्टेप्स को, ताकि वो फोर सर्कल्स हमें बीच में भी देखने को मिले। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। अच्छा अभी ये पूरा एक शेप नहीं होता है, तो हम पहले इसको हम ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करेंगे, ताकि ये इंडिविजुअल शेप में कन्वर्ट हो जाए, और राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लेंगे। उसके बाद अलाइंस पे जाकर इसको सेंटर कर देंगे, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी इस तरह से। ये करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे दोबारा इसको। ग्रुप करने के बाद डुप्लीकेट निकालेंगे, तो उसकी मैनेजमेंट कुछ इस तरह करनी है। अपने ऑल्ट के साथ मैं इसके डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ।
कुछ इस तरह से बेसिकली। अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी अटैचमेंट लाजमी होती है, तो यहाँ भी आपको चीज़ अटैच करनी है। दोबारा मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा और दोबारा मैं इसको अपर साइड पर डुप्लीकेट निकाल लूँगा। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को आपस में कंबाइन करें और कोशिश करें कि उसके थ्रू आप एक बनाए रिजल्ट, एक लोगो बनाए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को आप कंबाइन करें, ग्रिड लाइंस को स्क्वायर से, लाइंस को लाइन से, पॉलीगॉन को पॉलीगॉन से, सर्कल्स को, और देखें कि क्या शेप बन रहा है। उसके बाद कंट्रोल ए और सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और शेप बिल्डर टू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको सोचना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लोगो बनाना है। सो मेरे माइंड में फिलहाल भी वी है, और मैं चाह रहा हूँ कि वी के साथ में एक आई को कंबाइन करूँ और आई को थोड़ा डिज़ाइन करूँ इसके अंदर। सो पहले मैंने यहाँ पे वी को डिज़ाइन कर दिया अच्छे से, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आई को भी डिज़ाइन करूँ। तो आई हम स्टार्ट करते हैं बनाना यहाँ से। सो आप चाहे सेंटर वाला पार्ट सेलेक्ट कर लें, या चाहे आप ये साइड से पूरा कवर कर दीजिए इस तरह से। कोई भी बीच में जो एक शेप है ब्लैंक वो ना रहे कोशिश करें आप, क्योंकि इन लोगों में बस यही मसला होता है कि कुछ छोटे छोटे ना एरियाज रह जाते हैं कवर करने से, हम लोग भूल जाते हैं करना। तो बस ये एरिया ना रह जाए, कंबाइन कर देंगे पूरे शेप को। उसके बाद ऊपर से मैं एक टॉट टाइप का डिज़ाइन दे दूंगा इसको, एंड देन सेंट्राइज भी मैं आई थिंक फिल कर दूँ तो सही रहेगा, आई थिंक सो। तो सेंट्राइज फिल कर देंगे, या तो फिर यहाँ से हम लोग ऊपर से भी कुछ शेप बना सकते हैं ठीक है इसके लिए, और साइड से भी ठीक है, इसमें हम कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने सेंटर फिल कर दिया इसका, जितने भी डॉट्स थे के बीच में बचे इन सबको आपने फिल करना, ताकि वो बेसिकली कुछ भी रह ना जाए। उसके बाद फिर हमने यहाँ से इसको मैंने डिज़ाइन दिया हल्का सा, और देन यही चीज़ मैं बेसिकली इम्प्लीमेंट करूँगा राइट साइड पर। तो यहाँ मैं राइट साइड पर भी सेम यही चीज़ इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सो ये पूरा एक बेसिकली हमने एक शेप डिज़ाइन कर लिया। बाकी शेप्स तो डिपेंडिंग ही आपके ऊपर कि आप किस तरह से इसको अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। और ठीक है जी, आप ऊपर से भी चाहे डिज़ाइनिंग कर दीजिए शेप की, ताकि एक अच्छा लुक बन जाए इसमें, इस लोगो के अंदर। सो यहाँ मैंने कंट्रोल ए दोबारा सेलेक्ट किया है, एंड देन दोबारा से यहाँ से मैंने इस चीज़ को कवर करा। कॉर्नर्स भी बेसिकली मुझे कवर करने हैं इसके, राइट साइड के और कॉर्नर साइड के। अच्छा तो देखिए एक एक कॉर्नर्स ही बेसिकली आपका ना रह जाए, तो कॉर्नर्स पे आप लाजमी खास ख्याल रखिएगा इस तरह से। एंड देन ये वाला लास्ट वाला भी है कि आप कॉर्नर्स को भी कवर करेंगे, लास्ट वाले कॉर्नर्स को भी। ठीक है भाई, एक एक कॉर्नर्स पे हमें बेसिकली खास ख्याल रखना है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, अनग्रुप कर देंगे ताकि हर पार्ट इनकी ग्रिड लेंथ से अलग अलग हो जाए। देन सब सबको सेलेक्ट करके हम इसको बेसिकली बाहर की साइड पर ड्रैग डाउन करेंगे इस तरह से कुछ। उसके बाद ग्रिड लाइन से कोई काम नहीं, तो आप इन लाइंस को हटा सकते हैं। तो इन लाइंस को फिलहाल रिमूव कर देंगे सेलेक्ट कर कर, और यहाँ से फिर हम इस चीज़ को जो है ना सेलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे। आप भले इसका स्ट्रोक बढ़ा लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम इसको ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर देंगे अपेरेंस इसकी, ओके कर देंगे यहाँ से, एंड देन यूनाइट कर देंगे इसको नीचे से। उसके बाद फिर हम यहाँ से जो है बेसिकली इस चीज़ को देखें कि आप किस तरह हमें इसको एडजस्ट करना है पेज के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पे जो है तीन लोगो डिज़ाइन करें, एक जो डिज़ाइनेबल लोगो था वो, और सेकंड हमने कंबाइन लुक किया लोगो को, और थर्ड भी हमने थोड़ा कंबाइन रखे हैं लोगो। ठीक है, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर या तीनों लेटर मार्क लोगो के अंदर ही आते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। I'm